नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी टीचर्स के लिए है या उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए जो भी आगामी शिक्षक बनना चाहते हैं। देखो, आखिर शिक्षक है कौन? आज के समय में ऐसी हालत हो गई है शिक्षकों की, टीचर्स की, कि उस पर अगर चर्चा की जाए तो पूरी दिन रात एक हो जाए। आखिर ये शिक्षक कौन है, कौन होता कौन है गुरु? मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक दोहे के साथ करना चाहूंगा। कबीर वाणी जी के अनुसार, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सवार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ है, घड़ा है। गुरु वो होता है जो उस कुमार के अनुसार है, उस कुमार के समान है जो एक मिट्टी को, एक घड़े मिट्टी को एक ऐसा घड़ा बना देता है, अंदर से उसके हाथ रखता है, सहारा देता है और बाहर चोट मार मार के उसे घड़े में परिवर्तित कर देता है। या आचार्य चाणक्य के अनुसार कौन है गुरु? एक शिक्षक वो है जो जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं, चाहे तो वो निर्माण कर दे किसी का, चाहे तो वो उसका नुकसान कर दे, ऐसा गुरु को माना जाता है। गुरु को सबसे उच्च श्रेणी में माना जाता है। लेकिन आज के समय में शिक्षकों की क्या हालात हो गई है, क्या हालत हो गई है, ये आपको पता ही होगा। मैं उन सभी शिक्षकों के बारे में भी बात करना चाहता हूं और उन सभी स्टूडेंट के लिए भी चर्चा करना चाहता हूं जो आगामी परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती में या सीटेट या आप कोई भी भर्ती में एग्जाम दे रहे हो। आज के समय में हमारे क्या हालत हो चुकी है? प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो हमें सैलरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ता है लंबा लंबा। आखिर क्या हालत हो गई है हमारी? गवर्नमेंट टीचर की जॉब पे जाए तो पहले देखो, मैं तो ये कहता हूँ आज के टाइम पे डीएम बनना बल्कि आसान हो गया टीचर बनने से। आप पहले बीकॉम करो, बीए करो या बीएससी करो, उसके बाद सीटेट निकालो, अगर नेट निकालना है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करो, उसके बाद भर्ती का एग्जाम दो, इंटरव्यू दो और फिर भर्ती आएगी तब दोगे। अभी मैं इसका बिल्कुल सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि इन दोनों चीज़ों का, कि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सैलरी कम मिलती है वहाँ का सॉल्यूशन नहीं, गवर्नमेंट में जा रहे तो इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है वहाँ का सॉल्यूशन नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ से इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है और बिल्कुल सॉल्यूशन होगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना और इसका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ। आखिर हम परेशान क्यों हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जाते भर्ती नहीं आती, प्राइवेट में जा रहे सैलरी कम है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप अभी जो वीडियो देख रहे हो इसमें भी कई ऐसे टीचर होंगे जो प्राइवेट में होंगे लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी नहीं मिल रही है। मैं सभी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्कूल सही सैलरी देते भी हैं लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो 4,000, 5,000, 6,000 बीएड करे करे वालों को 6,000, 7,000 रुपए मिल रहे हैं। और यदि वो बीएड वाला कल को सरकारी एग्जाम निकाल ले तो वो सीधे 50,000 लेता है। तो यानी कि आप योग्य तो 50,000 के हो लेकिन मिल रहे 6,000 है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो प्राइवेट सेक्टर 50,000 दे आपको, लेकिन कम से कम इतनी सैलरी तो दे कि आप अपने आप को कुछ रोजगार कह सको कि हाँ, हम भी रोजगार में है या हमें भी कुछ रोजगार मिल रहा है। अब 5,000, 6,000 में वहां पे नौकरी होती है जिसको हम कहते हैं अरे हमारा क्या काम है, हम तो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसी प्राइवेट सेक्टर में, अब हालांकि गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसी या गाइडलाइन के अनुसार एक मानदेय भी तय कर रखा है कि कम से कम इतना वेतन तो आपको मिलना ही चाहिए चाहे प्राइवेट स्कूल में भी आप क्यों ना हो, लेकिन क्या वो वेतन हमें मिलता है? सभी स्कूलों में नहीं मिलता, लगभग आधे से ज्यादा क्या 90% में नहीं मिलता होगा 5,000, 6,000 में काम कर रहे हो। एक अगर बिल्कुल सही अच्छी तरीके से जांच करके सरकार अच्छे से कमेटी बैठा के अगर ये जांच कर सके कि हर स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन होंगे। अभी कई स्कूल आप देखते हो कि वहाँ पे 12th क्लास के बाद भी पढ़ाने में चले जाते हैं, अंडर ग्रेजुएशन है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो दोनों पढ़ाने चले जा रहे हैं। अब उसी स्कूल में बीएड वाला जाता तो उसे भी वही 5,000-6,000 दे रहे। अब हम सोचते चलो कुछ नहीं से कुछ सही तो 5,000 ही आने दो। तो क्यों ना इस पे कुछ किया जाए, क्यों इस बात को आगे तक ना पहुंचाया जाए कि हर स्कूल में चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सेम पे स्केल चलाओ। और अगर सेम पे स्केल नहीं भी चला सकते हो तो कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 अगर वही 6,000 वाले पर्सन को 25,000, 20,000 मिलने लग जाए तो उसको भी ये लगेगा चलो कुछ नहीं से कुछ सही अच्छा मिल रहा है, 20,000 से 25,000 है तो वो कहेगा चलो मैं रोजगार कमा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं रोजगार कमा रहा हूँ। अभी हम
एक चीज पे रोते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। क्या सच में ज्यादा है? मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, लगभग आप चेक करना चाहे तो गूगल में कि कितना सेक्टर हमारी जितनी भी टोटल पब्लिक है भारत में 2.7% सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है, बाकी सारी प्राइवेट में सिर्फ 2.7%, सिर्फ 2.7% गवर्नमेंट सेक्टर में, बाकी सारी प्राइवेट में। अच्छा बेरोजगार वो भी नहीं है, तो बेरोजगार क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि वेतन उतना नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल में एक बीएड वाला भी पढ़ा रहा है और वही एक बीएड वाला सरकारी में लगा, उसे 50 मिल रहे, इसको 6000 मिल रहे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर ये चीज गैप करनी है तो इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। मान दे ठीक है, सरकार ने तय कर भी रखा है कि इतना देना पड़ेगा। अब स्कूल वाले आपसे क्या करते हैं कि लिखवा भी लेते हैं, कई कागज पे लिखवाते हैं, कई वहां पे आगे शो भी कर देते गवर्नमेंट को, नहीं साहब हम तो 6 नहीं, हम तो 20 दे रहे, लेकिन आते आपके पास 6000 है। वो 14000 कहाँ जाते किसी को कुछ नहीं पता। आप जब कभी प्राइवेट स्कूल में गए होंगे तो आपने ये सारी चीजें, कई चीजें देख भी रखी होंगी, तो इसके खिलाफ एक आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, लगे रहो 6000 में। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मेरा बस एक इच्छा हुई कि मैं अपनी एक कुछ आवाज़ कभी ज़िंदगी में एक उठा सकूँ तो एक वीडियो के रूप में मैं ज़रूर दे सकूँ आपको। तो अगर आपको ये आवाज़ सही लग रही है तो इसे आगे शेयर करो, करो शेयर। बहुत सारी फनी वीडियो तो आप ज़रूर शेयर करते होगे, गाने शेयर करते होगे, आज आपकी हक की बात है तो इसे भी शेयर करो, ज़रूर होनी चाहिए। इस पर हर एक स्कूल पर जाँच होनी चाहिए कि आप सही से सैलरी दे रहे हो या नहीं, तभी ये चीज़ होगी। जब प्राइवेट सेक्टर में हमें कुछ सही मिलेगा तब हमारी थोड़ी चिंता भी कम होगी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की, कि चलो कोई बात नहीं, अब अगर नहीं भी मिली 25-30 हज़ार तो मिल ही रहे, थोड़ा बहुत अपना सेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि अगर ये थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो ये दोनों टेंशन हमारे लिए कम हो सकती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।